बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या? वो मैं गई तो थी कंगना को रोकने के लिए, कंगना रुक भी गई, लेकिन बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि मधु भाभी अनंत भैया की दूसरी बीवी है। और मधु भाभी ने ये बात सुन ली। क्या? हाँ, मुझे माफ कर दो। इस वक्त मधु भाभी कहाँ है? मधु भाभी इस वक्त किचन में रो रही है। मुझे लगता है ये बात सुन के उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंच गया है। श्री, अब तुम हार गए श्री, अब कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं जाएगी। मधु भाभी संभालिए अपने आप को, मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप पर क्या बीत रही होगी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि ये सच्चाई आपको कभी ना पता चले कि आप अनंत भैया की दूसरी पत्नी हैं, कि आप अनंत भैया की दूसरी पत्नी हैं, अनंत भैया की दूसरी पत्नी हैं। भाभी देखिए, रोइए ना, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपको कभी भी अनंत भैया की पहली पत्नी के बारे में पता चले, इसलिए मैं ये तो क्या कह रही हो श्री? मैं अनंत की दूसरी पत्नी? की पहली शादी कब हुई थी? तुम क्या बात कर रही हो श्री? अमना बहनी ने मुझसे कहा कि उनके मुंह से आपके सामने गलती से निकल गया था कि अनंत भैया की पहले भी शादी हो चुकी है, इसलिए श्री मुझे पूरी बात जाननी है। श्री ठीक ठीक बताओ श्री, तुम क्या कह रही थी? उनकी पहली शादी, ये सब क्या है श्री? कुछ बोलो श्री, जवाब दो मुझे श्री, ये तुम क्या कह रही थी श्री? मुझे बताओ क्या बात है? तुम पहले से इतनी बड़ी बात जानती थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। यहाँ तक कि मंगड़ा में ने घर में आए एक महीना तक नहीं हुआ वो ये बात जानती, लेकिन मैं नहीं। क्या है सच श्री? श्री मुझे सच बताओ। कुछ नहीं, दरअसल मंगला बहन ने मुझसे कहा कि उनके मुंह से गलती से ये सब कुछ निकल गया था। ऐसे ये तुम क्या कह रही हो? मैंने मधु भाभी को कुछ नहीं कहा। आप ये क्या कह रही हैं? आपने खुद मुझसे कहा कि गलती से मधु भाभी के सामने आपके मुंह से निकल गया कि वो अनंत भैया की दूसरी पत्नी है, और अभी आप कह रही है कि नहीं। श्री मैं कसम खाती हूँ, मैंने मधु भाभी को ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो अभी अभी आपके पास आ रही हूँ। अब तुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर सकती हूँ श्री? जिसने तेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मदद की, जिसने तेरा घर बचाने की कोशिश की, जिसने तेरे और हरि के रिश्ते को बचाने के लिए विष का प्याला तक पी लिया, आज तेरे ही हाथों तूने उसका घर उजाड़ दिया। तुझे क्या लगा था तुम मुझसे जीत जाएगी और मैं हार जाऊंगी? नहीं, अब तो देख श्री, तेरे साथ साथ उन सबकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी जिन्होंने तेरी जरा सी भी मदद की। अब तो दोहरे जाल में फंस गए श्री, एक तरफ हरि को बचाने की चिंता और दूसरी तरफ अपनी माँ जैसी मधु भाभी का घर उजाड़ने का गम। बेचारी श्री, अब तेरी कोई मदद नहीं करेगा, ना ही तेरा भगवान
और न ही वो मंगड़ा। सम्मोहित करने आई थी बेवकूफ, अब मैं तुझे सम्मोहित करके तेरा इस्तेमाल करूंगी। श्री का हथियार बनकर आई थी ना तू, हाँ? अब मैं तुझे श्री के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। वो धागा दरवाजे से निकाला। श्री, श्री दरवाजा खोलो, मुझे एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ मंगला बहन? मैं गई तो थी कंगना को रोकने के लिए, वो रुक गई, लेकिन बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि मधु भाभी अनंत भैया की दूसरी बीवी है, और मधु भाभी ने ये बात सुन ली। श्री, अब तुम हार गई श्री, श्री अब कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं जाएगी। अब मधु सबके सामने तुम्हें बेइज्जत करेगी, सब लोग मिलकर तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। अब तुझे पता चलेगा श्री कि मैंने तेरी जान से तुझे इज्जत दे दी। मैं यहाँ क्यों हूँ? रुक जाओ श्री, जो बात तुमने शुरू की है उसे खत्म किए बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं नहीं जाती कि तुम्हारी मंगला बहन के साथ क्या गलतफहमी हुई है, मगर अच्छा ही, अगर वो गलतफहमी नहीं हुई होती तो तुम हमेशा मुझे अंधेरे में ही रखती। जवाब दो श्री, क्या है ये सब? मैंने हरि के साथ तुम्हारा रिश्ता बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया? तुमने तुमने इतना कुछ छुपाया मुझसे,
मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई है तुमने मुझसे श्री। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों किया? केवल तुमने ही नहीं, सबने मेरा विश्वास तोड़ा है। इतना बड़ा राज छुपाया सबने मुझसे, लेकिन अब सबको मुझे जवाब देना होगा। तुम्हें, इस परिवार को और अनंत को। पूर्णिमा में अभी देर है, अगर उससे पहले मैं इस घर से निकल गई तो मेरे पति को पाने की मेरी सारी तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मधुभावे, मधुभावे सुनिए, मेरी बात सुनिए। मधुभावे, मधुभावे रुकिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार। अगर आपको मेरी बात सुनने के बावजूद भी ये लगे कि आपको जाकर घर वालों से बात करनी चाहिए, तो आप बेशक कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मधु भाभी, मेरी तरफ देखिए। क्या आपको लगता है कि आपकी श्री आपसे कभी कुछ छुपाएगी? फिर भी श्री, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई ना मुझसे। हाँ, ये सच है कि ये बात मैंने आपसे छुपाई कि आनंद भैया की आपसे पहले भी एक शादी हो चुकी है। लेकिन भाभी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ सच हमें झूठ से भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। अगर ये राज खुल जाता तो वो बंधन टूट जाता जिसमें आपने इस घर को इतने सालों से बांधे रखा है। इसलिए सच जानने के बावजूद भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना है श्री, कुछ नहीं सुनना है मुझे। बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है तुमने मुझे। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी श्री। मैंने हमेशा तुम पे आंखें मूंद कर भरोसा किया और बदले में क्या पाया? विश्वासघात। मैंने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर हमेशा तुम्हारा साथ दिया श्री, और तुमने सबके साथ मिलकर मुझसे ये राज छुपाया। भाभी, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप अनंत भैया की दूसरी पत्नी हैं। एक और बात है जो आपको बहुत तकलीफ दे सकती है। अब तकलीफ पाने के लिए बाकी क्या रह गया श्री? मेरे पति ने मुझसे झूठ बोला, मेरे पूरे परिवार ने मुझसे ये सच्चाई छुपाई, और तुमने भी मुझे नहीं बताया। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है श्री? इससे बड़ी बात है भाभी, और वो बात ये है कि आनंद भैया की पहली पत्नी के साथ ये भाग गए थे। वो कोई और नहीं, कंगना थी। अब पता चला भाभी कि मैंने आपसे ये सच्चाई क्यों छुपाई थी। सच तो ये है भाभी कि इस कहानी में बहुत सारे राज छुपे हैं,
जिनके बारे में मैं खुद कुछ नहीं जानती। क्या हुआ था 10 साल पहले? कौन थी ये कंगना और क्यों हरी उनके साथ भाग गए थे? कुछ नहीं पता मुझे, कुछ नहीं। इसलिए जब तक ये पूरा सच मैं नहीं जान लेती, तब तक मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि आप ये बात किसी से मत कहिए, किसी से मत पूछिए। अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा या विश्वास है तो ये बात किसी से मत कहना, किसी से मत कहना भाभी। अरे परिवार वालों को तो इतना तक नहीं पता कि इतनी बड़ी बात मुझे मालूम है, और अगर बिना जाने उनसे पूछेंगे तो वो फिर से हमें कोई नई कहानी बनाकर सुना देंगे। श्री श्री चलो मेरे साथ, उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। तुम समझ सकते हो ना कि अंदर कौन होगा? जल्दी चलो मेरे साथ वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। कंगना, भाभी वादा कीजिए मुझसे कि आप ये बात किसी से नहीं कहेंगी। भाभी मुझे जाना होगा, मेरा भविष्य और इस घर की सारी खुशी अब आपके हाथों में। आपका एक सवाल और पूरा घर हर घर जाएगा। मेरी बात याद रहे बाबा। श्री चल। तो मैं बर्बाद कर दूंगी, इतने टुकड़े कर दूंगी इसके कि अगले 7 जन्मों तक तो इसकी पहेली का हल नहीं ढूंढ पाएगी। श्री भगवान करे कंगना उस घर की पहेली तक ना पहुंचे, हमें उसे रोकना होगा किसी भी हाल में।
श्री, 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 श्